हाय फ्रेंड्स मैं हूं अभिषेक कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम सी लैंग्वेज के 50 एम क्वेश्चन देखेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ सी लैंग्वेज ऑप्शन है बजारने स्ट्रॉस्ट्रप डॉक्टर ई एफ कोड जेम्स एगोसलिंग डेनिस रिची तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी डेनिस रिची डेनिस रिची ही ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था इसीलिए उन्हें फादर ऑफ सी लैंग्वेज कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कीवर्ड्स इन सी सी लैंग्वेज में टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं ऑप्शन है जीरो थर्टी टू फोर्टी एट वन फिफ्टी फाइव तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी थर्टी टू सी लैंग्वेज में टोटल थर्टी टू कीवर्ट्स होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप इन सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज में टोटल कितने तरह के लूप्स होते हैं ऑप्शन है वन टू थ्री फोर तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी थ्री सी लैंग्वेज में टोटल तीन तरह के लूप्स होते हैं फोर लूप वाइल लूप और डू वाइल्ड लूप नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन इनमें से कौन सा फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन है ऑप्शन है प्रिंट एफ स्कैन एफ मेन नन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी मेन मेन यूज़र डिफाइन फंक्शन है क्योंकि मेन में जो लॉजिक लिखाता है वो यूज़र लिखता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी वी यूज फॉर इनपुट आउटपुट सी लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए क्या यूज़ करते हैं ऑप्शन है सीन एन सी आउट स्कैन एंड प्रिंट इनपुट एंड आउटपुट या नन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी एफ एंड प्रिंट इनपुट के लिए हम लोग एफ यूज करते हैं और आउटपुट के लिए प्रिंट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ इंट डेटा टाइप जो हम लोग इंट डेटा टाइप यूज़ करते हैं उसका रेंज क्या होता है ऑप्शन है जीरो टू टू फिफ्टी फाइव माइनस वन ट्वेंटी सेवन टू प्लस वन ट्वेंटी एट माइनस थर्टी टू सेवन हंड्रेड सिक्सटी एट टू थर्टी टू सेवन हंड्रेड सिक्सटी सेवन या नन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी माइनस थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी एट टू प्लस थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ कै डेटा टाइप कै डेटा टाइप जो होता है उसका रेंज क्या होता है तो ऑप्शन है ज़ीरो टू टू फिफ्टी फाइव माइनस वन ट्वेंटी एट टू प्लस वन ट्वेंटी सेवन जीरो टू वन ट्वेंटी सेवन या नन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी माइनस वन ट्वेंटी एट टू प्लस वन ट्वेंटी सेवन टाइप का रेंज माइनस वन ट्वेंटी एट टू प्लस वन ट्वेंटी सेवन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड किस साल में सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था ऑप्शन है नाइनटीन एटी नाइन 1995 सेवेंटी टू नाइनटीन नाइन्टी वन नाइनटीन नाइन्टी फाइव तो करेक्ट ऑप्शन है बी 1997 में सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज सी सी किस तरह का लैंग्वेज है किस टाइप का लैंग्वेज है ऑप्शन है प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या नन तो करेक्ट ऑप्शन है ए प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज एक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ इज ए साइज ऑफ क्या है फंक्शन वेरिएबल ऑपरेटर या बोथ ए एंड तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी साइज ऑफ एक ऑपरेटर है नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज फॉर सी लैंग्वेज में हम ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं ऑप्शन है, है क्विटा प्रोग्राम प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए क्विट द करंट इट्रेशन करंट इट्रेशन से बाहर निकलने के लिए बोथ ए एंड बी या none. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी क्विट द करंट इटरेशन ब्रेक स्टेटमेंट हम करंट इटरेशन से बाहर निकलने के लिए यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल टू रन प्रोग्राम विदाउट मेन फंक्शन ऑप्शन है यस नो एरर कांड से तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यस yes. हम लोग बिना मेन फंक्शन के भी प्रोग्राम रन करा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इन चारों में से कौन सा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है ए बी सी या डी तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी यही हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है ऑप्शन है जीरो वन गार्बेज नल तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जीरो जीरो ही हमारा स्टैटिक वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिटर्न अ वैल्यू इनमें से कौन सा वैल्यू रिटर्न नहीं करता है ऑप्शन तो है वॉइड इंट नल कैर तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वॉइड वाइड हमारा कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी असाइन नल ऑन वाइड पॉइंटर क्या हम वॉइड पॉइंटर में नल को असाइन कर, yes, no, तो yes. कर सकते हैं ऑप्शन है यस नो एरर नन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए यस हम लोग नल को वाइड पॉइंटर में असाइन कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन मीन्स जो हम फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाते हैं उसका मतलब क्या होता है ऑप्शन है नेम ऑफ फंक्शन पैरामीटर ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन या ऑल तो करेक्ट ऑप्शन है डी प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन का मतलब ये तीनों ही होता है नेम ऑफ फंक्शन पैरामीटर ऑफ फंक्शन और डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोट एरे फिफ्टीन व्हाट इज़ द साइज ऑफ़ एरे यहाँ पे एक एरे है फ्लोट ए फिफ्टीन तो आपको बताना है इसका साइज क्या होगा ऑप्शन है सेवनटीन सिक्सटी फोर सिक्सटीन सिक्सटी तो करेक्ट ऑप्शन है डी सिक्सटी क्योंकि एरे ए फिफ्टीन में टोटल फिफ्टीन एलिमेंट्स है जीरो टू 14 और फ्लोट जो डेटा टाइप है इसमें चार बाइट मेमोरी मिलती है तो फोर इंटू फिफ्टीन इज इक्वल टू सिक्सटी नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबल डेट आर डिक्लेयर्ड बट नॉट इनिशियलाइज कंटेंस कोई वेरिएबल बनाया गया है लेकिन उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया गया है तो वो वेरिएबल क्या वैल्यू लेगा ऑप्शन है ज़ीरो ब्लैंक स्पेस गारबेज नन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी गारबेज जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं लेकिन उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो वो वेरिएबल गारबेज वैल्यू ले लेता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज ब्रेक इन सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज में ब्रेक स्टेटमेंट किस तरह का स्टेटमेंट है ऑप्शन है कंडीशनल स्टेटमेंट जंप स्टेटमेंट लूपिंग स्टेटमेंट ऑल ऑफ द अब तो करेक्ट ऑप्शन है बी जंप स्टेटमेंट जब भी हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जंप कर जाता है ब्रेक कर जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड स्टोरेज क्लास इनमें से कौन सा वैलिड स्टोरेज क्लास नहीं है ऑप्शन है ऑटो एक्सटर्न डायनेमिक रजिस्टर तो करेक्ट ऑप्शन है सी डायनेमिक डायनेमिक नाम का सी लैंग्वेज में कोई भी स्टोरेज क्लास नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल हम जो वेरिएबल बनाते हैं उस वेरिएबल का स्कोप क्या होता है ऑप्शन है एंटायर प्रोग्राम विदिन द ब्लॉक और फंक्शन ऑनली मेन फंक्शन ऑल द एव तो करेक्ट ऑप्शन है बी विद इन द ब्लॉक और फंक्शन लोकल वेरिएबल का स्कोप उस ब्लॉक और फंक्शन तक ही होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्री डिफाइंड फंक्शन इज यूज फॉर कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स सी लैंग्वेज में दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए कौन सा प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किया जाता है ऑप्शन है एस टी आर सी पी वाई एस टी आर सी ए टी एस टी आर आर ई वी एस टी आर सी एम पी तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी एस टी आर सी एम पी एस टी आर सी एम पी फंक्शन को दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप शेयर इट्स मेमोरी इच अदर कौन सा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप आपस में मेमोरी शेयर करते हैं ऑप्शन है स्ट्रक्चर यूनियन क्लास एरे तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी यूनियन यूनियन डेटा टाइप आपस में मेमोरी शेयर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल प्रिंट एंड स्कैनएफ आर लोकेटेड प्रिंट और स्कैनएफ फंक्शन पहले से ही कौन से स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल में लोकेटेड होते हैं ऑप्शन है कोनियो डॉट एच स्ट्रिंग डॉट एच मैथ डॉट एच स्टूडियो डॉट एच तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी डॉट एच स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी प्रिंट नॉर्मल वेरिएबल इनसाइड स्टैटिक फंक्शन क्या हम स्टैटिक फंक्शन के अंदर नॉर्मल वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं ऑप्शन है यस नो yes, no. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नो no. हम लोग स्टैटिक फंक्शन के अंदर नॉर्मल वेरिएबल को प्रिंट नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वे टू कॉलिंग ऑफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज में हम लोग फंक्शन को कितने तरह से कॉल कर सकते हैं ऑप्शन है टू थ्री फोर वन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए टू दो तरह से हम लोग फंक्शन को सी लैंग्वेज में कॉल कर सकते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर मेमोरी एफिशिएंट इनमें से कौन सा ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट है ऑप्शन है स्ट्रक्चर यूनियन बोथ ए एंड बी डिपेंड ऑन सिस्टम तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी यूनियन क्योंकि यूनियन में बिगेस्ट मेंबर के लिए मेमोरी बनता है उसके बाद जितने भी स्मॉलेस्ट मेंबर होते हैं वो एक के बाद एक मेमोरी शेयर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑपरेटर टू कंपेयर टू वेरिएबल इनमें से कौन सा सही ऑपरेटर है दो वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए ऑप्शन है इक्वल नॉट इक्वल इक्वल इक् इक्वल इक्वल तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी इक्वल 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 ही सही ऑपरेटर है दो वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कमेंट सी लैंग्वेज में जो हम लोग कमेंट लिखते हैं खुद समझने के लिए या फिर किसी और को समझाने के लिए तो कैसे लिखते हैं ऑप्शन ए बी सी या डी तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लूप आर वाइल एंड फोर वाइल लूप और फोर लूप किस टाइप के लूप हैं एंट्री कंट्रोल एग्जिट कंट्रोल बोथ या नन तो करेक्ट ऑप्शन है ए एंट्री कंट्रोल क्योंकि इनकी बॉडी एक्सिक्यूट होने से पहले ही हम कंडीशन चेक कर लेते हैं फिर हम बॉडी में एंटर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आजकी वैल्यू ऑफ स्पेस कैरेक्टर सी लैंग्वेज में जो स्पेस कैरेक्टर होता है उसकी आज वैल्यू कितनी होती है ऑप्शन है थर्टी टू ज़ीरो सिक्सटी फाइव टू फिफ्टी फाइव तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए थर्टी टू कैरेक्टर की आज वैल्यू थर्टी टू होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ इंट एज इक्वल टू फाइव बाई टू विल रिटर्न अ वैल्यू जब हम फाइव को टू से डिवाइड करेंगे इंटीजर डेटा टाइप के साथ तो क्या वैल्यू रिटर्न होगा ऑप्शन है टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट ज़ीरो थ्री या टू तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी टू होगा क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप फ्रैक्शन के बाद जो भी वैल्यू आता है उसे इग्नोर कर देता है और सिर्फ नेचुरल नंबर को ही कंसीडर करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट हाउ द वैल्यू आर पास्ड टू द फंक्शन हम फंक्शन से बाय डिफॉल्ट कैसे वैल्यू पास कर सकते हैं ऑप्शन है कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस कॉल बाय पॉइंटर ऑल ऑफ द एवब तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए कॉल बाय वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन है सी लैंग्वेज डेवलप्ड एट सी लैंग्वेज को कहाँ डेवलप किया गया था ऑप्शन है ए टी एन टी बेल लैब सन माइक्रो सिस्टम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए ए टी एन टी बेल लैब में ही सी लैंग्वेज को ही डेवलप किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर इनमें से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर नहीं होगा मतलब इनमें से कौन सा हम वेरिएबल बनाएंगे जो वैलिड नहीं होगा ऑप्शन है अंडर स्कोर ए यहाँ पे ए वेरिएबल है वन ए ए अंडर स्कोर बी ए वन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी वन ए हम पहले अल्फ़ाबेट से नंबर को वेरिएबल नहीं बना सकते नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिजर्व्ड कीवर्ड फॉर सी इनमें से कौन सा वर्ड रिजर्व कीवर्ड नहीं है ऑप्शन है ऑटो केस न डिफॉल्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है सी मेन मेन कोई रिजर्व कीवर्ड वर्ड नहीं है सी लैंग्वेज में नेक्स्ट क्वेश्चन है सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इन टू मसीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज मसीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है किसके मदद से ऑप्शन है एन एडिटर अ कंपाइलर एन ऑपरेटिंग सिस्टम नन ऑफ दीज तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी कंपाइलर कंपाइलर ही हाई लेवल लैंग्वेज को मिड लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एस टी आर एल एन इज यूज फॉर एस टी आर एल एन फंक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है ऑप्शन है कैलकुलेट स्ट्रिंग लेंथ रिजर्व स्ट्रिंग कॉन्केट टू स्ट्रिंग्स कॉपी स्ट्रिंग्स तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए कैलकुलेट स्ट्रिंग लेंथ एस टी आर एल एन फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट वेरिएबल टाइप इनमें से कौन सा सही वेरिएबल टाइप नहीं है ऑप्शन है डबल इंट कैर रियल तो करेक्ट ऑप्शन है डी रियल नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस इवन कंडीशन इज फॉल्स कौन सा ऐसा लूप है जो एक बार जरूर एग्जीक्यूट होता है अगर कंडीशन गलत हो तो भी ऑप्शन है डू वाइल वाइल फोर फोर ईच तो करेक्ट ऑप्शन है ए डू वाइल क्योंकि इसमें हम लूप बॉडी के बाद कंडीशन चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकर्सिव फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन आ रिकसिव फंक्शन किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है ऑप्शन है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर लोड बैलेंसिंग पैरेलल लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कीवर्ड कैन बी यूज फॉर कमिंग आउट ऑफ रिकर्सन रिकर्सन से बाहर आने के लिए कौन सा कीवर्ड का हम यूज कर सकते हैं ऑप्शन है ब्रेक एग्जिट रिटर्न नन तो करेक्ट ऑप्शन है सी रिटर्न रिटर्न कीवर्ड को हम रिकर्सन से बाहर आने के लिए यूज कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटर इज नोन एज टर्नरी ऑपरेटर ऑप्शन है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सेमी कॉलन कॉलन टर्नरी ऑपरेटर ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है टर्नरी ऑपरेटर हम लोग इसी को कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द रिटर्न टाइप ऑफ प्रिंट एंड स्कैन एफ फंक्शन ऑप्शन है वॉइड इंट कैर bool तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी इंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी ओवरलोड फंक्शन इन सी क्या हम सी लैंग्वेज में फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं ऑप्शन है यस नो कांट से नन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नो no. हम लोग सी लैंग्वेज में फंक्शन को ओवरलोड नहीं कर सकते है. ओवरलोड का मतलब होता है कि आपके प्रोग्राम में एक ही नाम के दो फंक्शन हो लेकिन पैरामीटर्स अलग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी लॉजिकल ऑपरेटर इन सी सी लैंग्वेज में कितने लॉजिकल ऑपरेटर हैं ऑप्शन है वन टू थ्री नन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी थ्री सी लैंग्वेज में तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर लॉजिकल और ऑपरेटर एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल कीवर्ड्स इन सी आर इन सी लैंग्वेज में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो किस में होते हैं ऑप्शन है लोअर केस लेटर्स अपर केस लेटर्स कैमल केस लेटर्स नन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए लोअर केस लेटर्स अगर आपने कभी भी प्रोग्रामिंग किया हुआ कोड किया हुआ सी लैंग्वेज में तो आपको पता होगा कि हर कीवर्ड लोअर केस लेटर्स में होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जहाँ पे एक्स एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू फाइव है फिर मैंने यहाँ पे लिखा एक्स प्लस इक्वल टेन और फिर यहाँ पे प्रिंट करा दिया एक्स को तो एक्स क्या प्रिंट होगा तो करेक्ट ऑप्शन है सी फिफ्टीन इस प्रोग्राम का आउटपुट निकलेगा फिफ्टीन क्योंकि यहाँ पे जो मैंने ये लाइन लिखा है एक्स प्लस इक्वल टेन इस लाइन का मतलब होता है x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस टेन तो x का पहले वैल्यू फ़ाइव है फिर फाइव प्लस टेन इज इक्वल टू फिफ्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जहाँ पे n एक वेरिएबल बनाया और उसमें फ़ाइव वैल्यू असाइन कर दिया फिर मैंने एक n वेरिएबल बनाया उसमें टेन वैल्यू असाइन करा दिया फिर मैंने n को प्रिंट करा दिया तो n क्या प्रिंट होगा आपको बताना है ऑप्शन है फाइव टेन एरर बोथ फाइव एंड टेन तो करेक्ट ऑप्शन है बी टेन यहाँ पे एन का वैल्यू टेन प्रिंट होगा क्योंकि सेम वेरिएबल में जो लास्ट में वैल्यू असाइन किया जाता है वही वैल्यू लिया जाता है फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक like और सब्सक्राइब जरूर करें तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में